दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने ऐसे फोटोज़ को सीबी एडिटिंग जैसा बना सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप ओपन करके अपने फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टूल वाले आइकन को क्लिक करके रिमूव वाले टूल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने फोटोज़ को ब्रश से रिमूव कर लेना है। अब एफएक्स में जाके अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर लेना है। अब आपको कलर में जाके कलर रिप्लेस को सिलेक्ट करना है और जैसी बैकग्राउंड चाहिए वैसा कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड फोटो में जाके अपने ओरिजिनल फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है और रिमूव बैकग्राउंड पर जाके बैकग्राउंड को रिमूव करना है और सही से एडजस्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद एफएक्स वाले आइकॉन पर क्लिक करके आपको चले जाना है HDR2 पे। उसके बाद इरेजर पर क्लिक करके अपने क्लोथ को ब्रश कर लेना है ताकि सीबी एडिटिंग जैसा लगे। तो चलिए जल्द से मैं क्लोथ पे ब्रश कर लेता हूँ। इतना करके अब मर्ज कर लेना है। अब दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना है कलर्स को और कलर्स रिप्लेस पे जाके अपनी मर्जी से जो चाहे वो कपड़े का कलर दे सकते हो। उसके बाद रीटच पे जाके अपने फोटो को थोड़ा स्किन टोन देना है। उसके बाद स्टिकर पे जाके हेयर PNG सर्च करना है। तो मुझे ये PNG चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। PNG सिलेक्ट करने के बाद सही से एडजस्ट करके यूजलेस पार्ट को रिमूव कर लेना है। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद एडजस्ट पे जाके अपने फोटोज़ को मैच हो ऐसी सेटिंग कर लेते हैं। तो मैं अपने फ़ोटो को मैच हो ऐसी सेटिंग कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये हो जाने के बाद हमारी फ़ोटोज़ में एडिटिंग हो चुकी है। तो ये देख सकते हो आप बिफोर एंड आफ्टर। ऐसे ही फोटो एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।